वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हाँ सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम आम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हाँ सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम पर बात करें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिले वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की तो भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर है लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हाँ सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डीसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिले वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारे की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके के से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिल एमेजोन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पाडोकौन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजीली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो, जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की, की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानव से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी, सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो

एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर, पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिल एमेजन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानव से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारे की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारे की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पट्याला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिल एमेजन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन आम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिल एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फनी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहाँ पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिल एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोन देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं। जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल well, तो जी अक्की भाई इनको आजकल के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रॉजर युआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो तो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी इस इस परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजीली एमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल वेल तो जी अक्की भाई इनको आजकल के, के दौर में बहुत बुरे नामों से और अच्छे नामों से दोनों से ही जाना जाता है इनकी आजकल किस्मत थोड़ी सी स्लो चल रही है बाय द वे इनकी मूवीज़ का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है मैं जब से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ इनका कंटेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप लोग भी इनके कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हैं तो इन्होंने आज तक बहुत सारा कॉन्टेंट दिया है जिसमें आप लोगों को फ़नी भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारा कॉन्टेंट इन्हीं की तरफ से देखने को मिलता है इमोशनल भी फनी भी एक्शन भी और भी बहुत कुछ आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलता आ रहा है तो आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी इन्हीं की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है जी हाँ इनकी एक मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है जी चांदनी चौक टू चाइना इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2009 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी चांदनी चौक टू चाइना के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं जस्ट लाइक like आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण देखने को मिल जाएंगे मिथन चक्रवर्ती देखने को मिलेंगे रणवीर शौर्य रो रॉजर यूआन देखने को मिलेंगे एंड जॉर्डन लियो देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम बात करें यहां पर डायरेक्शन की कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर हम सेकेंड पॉइंट जो है वो डायरेक्शन का रख लेते हैं कि इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर किस तरह से संभाला गया किसने संभाला और क्या अच्छे तरीके से हैंडल की भी गई है या नहीं तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो किसने संभाला है तो सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की गई है जी हां सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को संभाला है जी निखिल अडवाणी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो हां इन्होंने पास्ट में काफी सारी मूवीज दी हैं जिनमें आप लोगों को कल हो ना हो उसी के साथ साथ चांदनी चौक टू चाइना बाटला हाउस हीरो डी डे सलाम इश्क पटियाला हाउस दिल्ली सफारी कट्टी बट्टी इस तरह की काफी सारी मूवीज देखने को मिलती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया आई रेटिंग की अगर हम बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है तो यहां पर 4.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानव से यहां पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज है तो यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्योरेशन कितनी है इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी उसी के साथ साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल जाएगा ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट होता हुआ नजर आता है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को भी एक चांस देना चाहिए अगर हम बात करें टाइम डोरेशन की कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड ये आप लोगों को ईजिली एमेजन प्राइम वीडियो पर अभी देखने को मिल